गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी। हमने स्टार्ट किया था एंजियोस्पर्म में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो हमने कल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर लिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था ए गैमोस्पर्मी, यानी कि अनिषेक बीजता, मतलब कि ऐसे पौधे जिनके अंदर बीजों का निर्माण बिना निषेचन की क्रिया से होता है, अनिषेक बीजता के बारे में पढ़ा था। फिर हमने उसको दूसरे पार्ट यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि पौधे के अंदर किसी भी कायिक भाग को दूसरी जगह पर रोपण करके, कटिंग करके या ग्राफ्टिंग करके नए पौधे को उगाना, ये कायिक जनन कहलाता था। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और हमने इस कायिक जनन के पहले पार्ट यानी कि नेचुरल प्रकार का जो कायिक जनन होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने बाय स्टेम यानी तने द्वारा, बाई लीव्स पत्तियों द्वारा, और बाई वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड सॉरी बाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड बाई रूट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन, बी पार्ट है। नेचुरल वाला हमने कल स्टार्ट कर लिया था। दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि कृत्रिम तौर पर कायिक प्रवर्धन करना। कृत्रिम तौर पर कैसे, क्योंकि कृत्रिम मतलब कि मानव द्वारा निर्मित, स्पेशली इसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है। तो मानव द्वारा अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए यानी कि वाणिज्य उत्पादन के लिए पौधों को अधिक मात्रा में उगाया जाता है। कुछ न कुछ विधियां हैं जो अपने काम में ली जाती है, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की पहली विधि है कटिंग यानी कर्तन। कल हमने इसके बारे में फ्लो चार्ट भी बनाया था कि कौन कौन सी विधियां हैं जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव में आती है और कौन कौन सी विधियां हैं जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आती है। तो पहली विधि है कटिंग। नाम से पता चल रहा है कि कर्तन यानी कि पौधे के किसी भाग को काट कर दूसरी जगह पर रोपण करके नया पौधा उगाया जाएगा, ये इसका मतलब है। तो कटिंग में देखो दो प्रकार की कटिंग होती है। एक तो होती है स्टेम कटिंग यानी कि स्तंभ यानी तने को काट कर दूसरी जगह पर रोपण करना, यानी कि स्मॉल स्टेम कटिंग्स ऑफ प्लांट आर प्लांटेड इन सॉइल, यानी कि पौधे के तनों के छोटे छोटे पार्ट या टुकड़े जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर रोपण करके नया पौधा उगाने की प्रक्रिया स्टेम कटिंग कहलाती है। इसके अंदर कुछ न कुछ फैक्टर्स है जो इसको प्रभावित करते हैं या इस फैक्टर को हमें ध्यान में रखकर उसके पौधे के भाग को उगाया जाता है। पहला है लेंथ ऑफ प्रोपेगुल यानी कि प्रवर्त की लंबाई। प्रवर्त किसे बोलेंगे, कल हमने बात की थी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर पौधे के जिस भाग को लेकर हम नया पौधा बनाते हैं उसे हम प्रोपेगुल बोलते हैं, प्रवर्त। दूसरा होती है एज ऑफ मदर प्लांट यानी कि मातृ पादप के आयु, यानी कि जो हम पौधा ले रहे हैं मदर प्लांट उसकी आयु कितनी है, नया पौधा होना चाहिए। ज्यादा पुराना होगा तो उसके अंदर परिवर्तन अधिक तौर पर या ज्यादा मात्रा में और विकसित प्रकार का नहीं हो पाएगा। तीसरा एनवायरमेंट ऑफ प्लांटेशन, जिस जगह पर हम रोपण कर रहे हैं वहां का पर्यावरण कैसा है, यानी कि उसके योग्य है कि है, उसके सीजनल उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसके एग्जाम्पल है देखो स्टेम कटिंग्स में शुगर केन है यानी कि गन्ना, ग्रेप्स यानी कि अंगूर और रोज, इनके अंदर स्टेम कटिंग, रोज मतलब गुलाब, स्टेम कटिंग की क्रिया होती है। फिर कटिंग के अंदर ही दूसरा है रूट कटिंग यानी कि मूल कर्तन। नाम से पता, रूट मतलब जड़, कटिंग मतलब भी करना, यानी कि पौधे के जड़ के किसी भाग को काटकर दूसरी जगह पर रोपण करके नया पौधा उगाना। रूट कटिंग आर प्लांटेड इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन, ये याद रखना है कि जो भी रूट कटिंग के अंदर रूट के टुकड़े काटे जाते हैं उनको प्लांटेड यानी रोपण किया जाता है हॉरिजॉन्टल पोजिशन, ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर रोपण किया जाता है। इसी से उनके अंदर एडवेंटिशियस बड्स यानी कि अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और फिर बाद में वो एक्टिव हो जाती है और नया पादप का निर्माण करती है। इसके एग्जाम्पल देखो लेमन यानी नींबू, कवावा यानी अमरूद और एप्पल यानी सेब, तो इनके अंदर पाया जाता है रूट कटिंग। तो हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का पहला पार्ट कटिंग, उसके स्टेम कटिंग और रूट कटिंग के बारे में डिस्कस किया। अब इसका दूसरा पार्ट लेंगे हम, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का दूसरा पार्ट लेंगे। हमने पहली बात कर ली थी कटिंग की यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की पहली विधि थी कटिंग एंड कर्तन, उसमें स्टेम और हमने रूट कटिंग के बारे में डिस्कस की थी। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दूसरी विधि, लेयरिंग यानी दाब लगाना। दाब मतलब कि किसी भी चीज को दबा के रखना, यानी कि बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बड्स आर बी प्रमोट विदाउट डिटेचिंग स्टेम और ब्रांच फ्रॉम मदर प्लांट, यानी कि नए एडवेंटिशियस बड्स को प्रमोट करना यानी कि उसको उगाने के अंदर उसको वातावरण पैदा करना, लेकिन उसके जो ब्रांच है स्टेम है उससे यानी कि मदर प्लांट की ब्रांच और स्टेम है उससे बिना अलग किए उसको डेवलप करना इनटू न्यू सूट्स में, ये क्या कहलाता है,
लेयरिंग कहलाता है, यानी कि बात करेंगे तो कुछ ऐसे पौधे जो लचीले होते हैं, जिनकी शाखाएं हैं जो कोमल होती है, उनको क्या करते हैं कि उनको या तो किसी के ऊपर प्रेशर जमीन के अंदर दबाया जाता है, या किसी टहनी के ऊपर कुछ ना कुछ बांध कर उनको दबाकर उनकी एडवेंटिशियस बड्स को डेवलप किया जाता है, ताकि वो उनके अंदर से जड़े निकले और जड़े से नया पादप का विकास हो। तो नॉर्मली क्या होगा, लेयरिंग के अंदर कुछ न कुछ पौधे के किसी भाग को, ब्रांच या स्टेम को दबाया जाता है। लेयरिंग की दो विधियां होती है, एक होती है माउंड लेयरिंग और एक होती है एयर लेयरिंग। पहले देखते हैं हम माउंड लेयरिंग। माउंड मतलब कि टीला धाप। टीला मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी एक प्लांट है जो शाखीय पादप होगा, वृक्ष नहीं होगा क्योंकि इसकी टहनी लचीली होगी तभी वो झुकेगी। तो किसी भी शाखीय प्लांट की कोई भी एक ऐसी टहनी ली जाती है, बहुत सारी टहनियों में से केवल एक दो या दो तीन ही ऐसी ली जाती है। हमेशा से यह ध्यान रखा जाता है कि मुख्य पादप की जो टहनियां हैं जिस पर फूल पत्तियां ज्यादा हो उनको नहीं दबाया जाता, एक थोड़ी अलग और साइड में रहने वाली एक टहनी को जमीन के अंदर दबाया जाता है और उसकी जो पत्तियां हैं वो दूर थोड़ी दूर में जमीन के ऊपर बाहर निकाल दी जाती है, और इसके नीचे है जो धीरे धीरे उसके एडवेंटिशियस बड्स का निर्माण होता है। ये एडवेंटिशियस बड्स का निर्माण करके क्या करती है, जड़ों का निर्माण करती है। तो माउंड लेयरिंग में क्या होगा, द सेलेक्टेड ब्रांच ऑफ स्टेम इज बेंट डाउन इन सॉइल। कुछ स्टेम की सेलेक्टेड ब्रांच यानी कि चयनित जो भी टहनी होगी उनको जमीन के अंदर दबाया जाएगा और उसको कुछ टाइम के बाद, कुछ पीरियड के बाद उनकी क्या होगी, पर नोड्स यानी कि पर संधियों से एडवेंटिशियस बड्स का निर्माण होगा और वो आगे जाकर जड़ों का निर्माण करेगी। ये किन किन पौधों में होता है, ये जैस्मिन में होता है, मोगरा में होता है, इन सब में ये होता है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जो भी ब्रांचेस हैं जिनको जमीन के अंदर दबाया जाता है वो ब्रांचेस मुख्य पादप से थोड़ी दूरी पे होती है, यानी दूरी पे कैसे कि ये ब्रांच यहां से निकली तो इसको थोड़ी दूरी से बाद में दबाया जाता है और फिर इसका जो मुख्य भाग है उसको वापस एयर यानी वायु वे कर दिया जाता है और यहां से इसके एडवेंटिशियस बड्स निकलती है और बाद में जब यहां पर पूर्णतः जड़ें विकसित हो जाती है तो इसको यहां से काट कर दूसरी जगह पर रोपण कर दिया जाता है। तो माउंट लेयरिंग में टीला दाब में इस प्रकार का होता है, इसके एग्जाम्पल्स जैस्मिन, मोगरा। दूसरा हम देखेंगे इसकी माउंट लेयरिंग के बाद में एयर लेयरिंग। पहले हमने बात कर ली थी माउंड लेयरिंग की, दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का लेयरिंग का, दूसरा है एयर लेयरिंग और गोटी यानी कि वायुदाब या गुट्टी बोलते हैं जिसको। इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक अप्लाइड इन ट्रीज हूज ब्रांचेस आर थिक, यानी कि यह टेक्निक उन्हीं पौधों में की जाती है जिनकी ब्रांचेस थिक या मोटी हो। तो हम बात करेंगे वास्तव में जो ट्रीज यानी बड़े वृक्ष होंगे उनकी ब्रांचेस क्या होती है, थिक और मोटी होती है, क्योंकि इससे पहले वाली जो टेक्निक थी उसके अंदर हमने बोला था कि जिसकी टहनियां लचीली होती है, कोमल होती है, उनको हम जमीन के अंदर रोपण कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है सॉरी। लेकिन इसके अंदर हम इनकी टहनियों को नीचे की तरफ नहीं झुका सकते, तो इनमें अंदर एयर लेयरिंग की टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पौधे के मोटे मांसल स्वस्थ भाग को चयन किया जाता है और उसके बाग को की ऊपर की छाल को धीरे धीरे से छील कर उसके ऊपर या तो मिट्टी या फिर कोई गीला कपड़ा या रुई को चारों तरफ से उसके ऊपर कवर किया जाता है। कवर करने के बाद उसके ऊपर वाले टहनी के ऊपर एक गड़े युक्त यानी कि जल युक्त एक गड़ा रखा जाता है, उसके अंदर जल भर के यहां से रस्सी बांध कर इसको यहां से चारों तरफ से घुमाकर इसको लपेट दिया जाता है। इसमें क्या होता है, यहां से जो जल की बूंदे है वो इस रस्सी के सहारे होती होती इस टहनी के ऊपर आएगी और इस टहनी के अंदर 4 से 8 सप्ताह तक बूंद बूंद कर जल देने पर इसके अंदर एडवेंटिशियस जो रूट्स होती है यानी कि अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा जड़ों का निर्माण होगा और जड़ों का निर्माण होने के बाद इस टहनी को यहां से काट कर अन्य कई जगह पर रोपित कर दिया जाता है। लेकिन यह टेक्निक उन्हीं के अंदर बड़े वृक्षों के अंदर उपयोग में ली जाती है, छोटे या शाखीय पौधों में इसका कोई उपयोग नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की थर्ड विधि जिसका नाम है ग्राफ्टिंग, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की विधि ग्राफ्टिंग यानी रोपण। रोपण मतलब कि क्या होता है कि दो अलग अलग टाइप के जो पौधे होते हैं उन दोनों के पौधे किसी एक भाग को जोड़कर कसकर बांध देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके कैम्बियम यानी कि एदा आपस में जुड़ जाती है और नई सेल्स आपस में विभाजित होकर एक नए पौधे का विकास कर देती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक जो पौधे का टुकड़ा होता है वो दूसरे पौधे के ऊपर इस प्रकार से उसका चीरा लगाकर या कुछ ऐसी पोजीशन बनाकर कस के बांध जाता है ताकि उसके अंदर क्या हो जाए कि सारे जो भी सवन ऊतक है वो आसानी से जुड़ जाए, और उसमें से एक होता है विकसित प्रकार के पौधे का स्तंभ या टुकड़ा और दूसरा होता है कम यानी कि लो क्वालिटी वाला पौधा जो उसका आधार बनाता है। तो देखते हैं, इन दिस मेथड वी जॉइन टू पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स इन सच एज ए मैनर दैट दे यूनाइट टू फॉर्म एंड ग्रो ए न्यू प्लांट, यानी कि इस मेथड में हम दो अलग अलग पौधों के अलग अलग पार्ट यानी भाग को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वो दोनों आपस में जुड़कर या मिलकर एक नया प्लांट यानी कि एक नया पौधे का विकास करें। इसमें क्या होता है कि जिस पौधे की क्वालिटी अच्छी होती है
उस पौधे का भाग को हम बोलते हैं कलम या सेंट। इसमें क्या होता है कि ये गुड क्वालिटी वाला पौधा होता है जो किसी लो क्वालिटी वाले पौधे के ऊपर लाकर उसके ऊपर रोपित किया जाता है, और जो लो क्वालिटी वाला पौधे का जो भाग होता है जिसको हम रोपण के लिए आधार के रूप में उपयोग लेते हैं उसे बोलते हैं स्टॉक, यानी कि स्कंद, यानी कि द इंफीरियर लोकल वेराइटी प्लांट विच इज गोइंग टू बी फॉर्म ए बेस फॉर न्यू प्लांट। यानी कि जो लोकल वेराइटी का जो प्लांट है जो नए होने वाले पादप का आधार बनेगा उसे हम बोलेंगे स्कंद। तो एक होता है कलम और एक होता है स्कंद। कलम मतलब कि गुड क्वालिटी का पौधा जो किसी दूसरे पौधे से लाकर लो क्वालिटी वाले पौधे के आधार वाले भाग पर कुछ ना कुछ शेप बनाकर उसके अंदर रोपण किया जाएगा। फिर क्या होता है कि इन दोनों के रोपण के रोपण करने के बाद कसकर बांधने पर इनकी कैम्बियम यानी कि ऐदा होती है जो दोनों पार्ट की, वो शुड बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, दोनों का आपस में कॉन्टेक्ट में यानी कि जुड़ती है, संपर्क में आती है और एक नए पौधे का विकास करने में मदद करती है। इसके एग्जाम्पल्स देखें तो रोज, मैंगो, लेमन। इसमें देखो आपने यहाँ पर दो चीजें पढ़ी है, एक पढ़ी है कलम, एक पढ़ी है स्कंद। देखो मैंने बात की थी कि जो कलम वाला सन वाला पार्ट होगा वो किसी और गुड क्वालिटी वाला होगा। गुड क्वालिटी मतलब कि किसी अच्छे विकसित प्रकार के पौधे का लाया जाएगा, वो हमेशा से क्या होगा ऊपर की तरफ सैन कहलाएगा कलम। और जो आधार यानी कि ये देखो लो क्वालिटी वाला जिसे स्टॉक बोलते हैं, ये जमीन से जुड़ा हुआ ये आधार बनेगा। इन दोनों को आपस में इस प्रकार से बनाया जाता है कि दोनों आपस में जुड़े, जुड़कर इनको कस के बांधने पर क्या होगा जैसे जैसे इनका ग्रोथ होगी, इसका फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ एक नया पौधा बनेगा। लेकिन ये याद रहे कि ऊपर जो नया पौधा बनेगा उसके अंदर मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स, उसके जो गुण होंगे वो स्टेम यानी कि कलम के होंगे, स्टॉक में उसमें बहुत ही कम होगा, वो केवल इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो बनने वाला पौधा होगा वो केवल कलम के गुणों को ही धारण करेगा, या उसके अंदर जो भी गुण होंगे, उसकी जो क्रियाएं होगी या उसके अंदर जो क्वालिटी होगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसकी चार मेथड होते हैं ग्राफ्टिंग के, और चारों मेथड को हम अभी डिस्कस करेंगे। चारों के अंदर ये दोनों चीजें काम आएगी, अलग 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 जिसके कट लगाए जाते हैं या अलग अलग जो पोजिशन में उनको ग्राफ्टिंग की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने ग्राफ्टिंग के बारे में बात की थी कि जैसे कि किस प्रकार दो पौधे के अलग अलग भागों को आपस में कट लगाकर या बांधकर उनको निरूपित करके नया पादप बनाने की प्रोसेस किया जाता है, उसमें हमने बात की थी कि स्टॉक क्या होते हैं या सेम क्या होता है, कलम क्या होते हैं और स्कंद क्या होते हैं। अब ग्राफ्टिंग की चार बीज है वो उसके ऊपर लगाए जाने वाले कट के आधार पर, यानी कि जो भी पौधे के आप एक भाग या हिस्सा लेते हो तो उसमें किस प्रकार का कट लगाया जाता है और किस प्रकार उसका रोपण किया जाता है उसके आधार पर ग्राफ्टिंग के चार विधियां हैं। उसमें सबसे पहली बात करेंगे तो उसे बोलते हैं टंग या विप या जीवा रोपण। इसमें क्या होता है कि स्टेम ऑफ सेन यानी कि कलम, कलम का तना और स्टॉक का तना, तो स्टॉक मतलब कि स्कंद का तने की हमेशा मोटाई क्या रहती है, समान रहती है। ये लगभग है एक को छोड़कर इन चारों में फॉलो करेगा। स्टॉक और सेम की थिकनेस होगी वो लगभग सेम रहेगी, और इसके अंदर क्या लगाया जाता है कि डबल वी या डब्लू शेप का चीरा लगाया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये देखो डबल वी का चीरा, यहां इसे बोल सकते हैं कि डब्लू शेप का चीरा लगाया जाता है। और कलम और स्कंद के अंदर जो चीरे लगाए जाते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि इसमें इस टाइप का लगाएगा, कलम में इस प्रकार का लगाया जाएगा तो उसके पूरक स्कंद के अंदर भी उसके ऐसा चीरा लगाया जाए ताकि इनको आपस में फिट करके आसानी से बांध दिया जाए। तो ये कलम रहेगा जो ये क्या है गुड क्वालिटी का है, और इसके अंदर जो लो क्वालिटी का है तीनों इन दोनों को आपस में कस के बांध दिया जाता है। देखो इन दोनों को कलम को, ये ऊपर वाला जो कलम है कलम वाला भाग, नीचे वाला है जो स्कंद वाला भाग, इन दोनों को आपस में जोड़ के इसको रस्सी से कस के बांध दिया जाता है। फिर इसके धीरे धीरे है जो इसके सवन तक आपस में जुड़ेंगे, कैम्बियम आपस में जुड़ी रहेगी और नया नया पादपों का विकास होता रहेगा, तो इसे बोलते हैं जीवारोपण। दूसरी है वेज यानी कि फच्चर रोपण। इसमें क्या होता है कि इसमें भी स्टॉक और सेन का यानी कलम और स्कंद का थिकनेस बराबर रहती है, लेकिन इसके अंदर वी शेप का चीरा लगाया जाता है। आप देख सकते हो कि स्कंद में देखो ये इस प्रकार का एक ही वी शेप का चीरा लगाया जाता है, और इसके पूरक स्कंद यानी स्टॉक के अंदर भी ऐसा चीरा लगाया जाए ताकि ये आसानी से इसके अंदर फिट हो जाए। इसमें आप आगे देख सकते हो कि ये वाला भाग नीचे ये स्कंद, और ये हम बात कर रहे कलम, इन दोनों को आपस में चीरा को लगाकर आपस में बांध दिया जाता है कसके, और धीरे धीरे इनके अंदर बर्ड्स का निर्माण होता है। फिर हम बात करेंगे क्राउन या मुकुट, ये इंपॉर्टेंट। इसके अंदर इन दोनों के जैसा नहीं होता। इसमें क्या होता है इन दिस केस थिकनेस ऑफ स्टॉक इज मेनी टाइम्स मोर देन सेन, यानी कि स्टॉक, स्टॉक मतलब कि हम किससे बात करेंगे, स्टॉक मतलब स्कंद की जो मोटाई होती है वो बहुत बड़ी होती है किसके मुकाबले, कलम के मुकाबले। आप देख सकते हो कि
ये जो स्टॉक है वो कितना बड़ा है और ये देखो कलम कितनी छोटी है। तो ये एक ही ऐसा भाग है जिसके अंदर यानी कि क्राउन प्रकार की ग्राफ्टिंग, जिसमें क्या होता है कि स्कंद की जो मोटाई होती है वो कलम की मोटाई से कई गुना बड़ी होती है। इसमें है जो मेनिसेन यानी कि बहुत सारी जो कलमें हैं वो इसके ऊपर ग्राफ्टिंग यानी कि रोपित की जा सकती है। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी है जो इसके साइज के अकॉर्डिंग बहुत सारी एक साथ कलमें एक स्टॉक के ऊपर रोपित की जा सकती है और एक क्राउन शेप्ड बनाती है, इसलिए इसे बोलते हैं क्राउन या मुकुट। लास्ट है आपने बड, बड ग्राफ्टिंग या कलिका, कलिका ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है कि टी शेप का एक चीरा लगाया जाता है, सेम ये देखो टी शेप का चीरा लगाया और इसके पूरा कॉम्प्लीमेंट स्टॉक में भी टी शेप का चीरा लगाया जाता है और दोनों को आपस में जोड़कर बांध दिया जाता है कस्से और तिरे के, इनके अंदर जो कैम्बियम जुड़ जाती है और धीरे धीरे कोशिकाओं का बार बार लगातार विभाजन होकर नए पादप का निर्माण कर लिया जाता है। तो हमने इसमें कृत्रिम और आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और अपने जो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फर्स्ट भाग यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां तक अपने कंप्लीट होता है। इसको आप बार बार देखें, अगले जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो को आप आराम से पूरा देखें, कंसेप्ट को समझे हर एक को, और वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे की पीडीएफ की डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी जिससे आप अपने नोट्स कंटिन्यू कर लेंगे, इससे आप पूरा पढ़ें और समझें और अपना जो भी आपकी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको भलीभांति पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।